मोहब्बत की वादी में लुटाता मसारब की दुनिया में फिरता नकाहत से हर गाम पर डगमगाता संभाले हुए बेड़ियां लड़खड़ाता मजालिम के तूफान से टकरा रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा मजालिम के तूफान से टकरा रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा है ये किसके हैं नेजों पे सर आगे आगे जो अब भी है सीना से पर आगे आगे ये किसके हैं नेजों पे सर आगे आगे जो अब भी है सीना से पर आगे आगे सितारे हैं पीछे कमर आगे आगे सितारे हैं पीछे कमर आगे आगे बहत्तर चिराग हम सफर आगे आगे बहत्तर चिराग हम सफर आगे आगे स्वादे सरे शाम थर्रा रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा है ये किसके हैं नेजों पे सर आगे आगे जो अब भी है सीना से पर आगे आगे सितारे हैं पीछे कमर आगे आगे बहत्तर चिराग हम सफर आगे आगे सवा दे सरे शाम थर्रा रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा है
मुकम्मल मसाइब के सांचे में ढल के हिदायत की राहों में कांटों पे चल के मुकम्मल मसाइब के सांचे में ढल के हिदायत की राहों में कांटों पे चल के फकत ये नहीं के किया सब्र बल्के जरा सब्र की हद से बाहर निकल के फकत ये नहीं के किया सब्र बल्के जरा सब्र की हद से बाहर निकल के इमामत की ताकत को दिखला रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा सताते हैं बेहद ये पांव के छाले और इनमें वो कांटे के जैसे हो भाले मगर क्या करे कैसे उन को निकाले ये कांटे निकाले के लंगर संभाले ये कांटे निकाले के लंगर संभाले तरस भी तो कोई नहीं खा रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा है अरक रेज माथा शिकंदर शिकन है लबों की खामोशी सुखन दर सुखन है अरक रेज माथा शिकंदर शिकन है लबों की खामोशी सुखन दर सुखन है कलाई तो देखो रसन दर रसन है मगर फिर भी ये गुल चमन दर चमन है मगर फिर भी ये गुल चमन दर चमन है जो आज अपनी खुशबू को फैला रहा है जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा है ये उम्मत के
के हाथों सताया गया है। ये कैदी नहीं है, बनाया गया है। ये कैदी नहीं है, बनाया गया है। ये बागी नहीं है, बताया गया है। ये बागी नहीं है, बताया गया है। इसे सुए दरबार लाया गया है। ये हक है कि बातिल से टकरा रहा है। ये हक है कि बातिल से टकरा रहा है। जरा बढ़ के देखो ये कौन आ रहा है। بسم الله الرحمن الرحيم میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بڑی زحمت کی اور میں اپنے مقررین مولانا عباس کمیلی مولانا علی حاکم اور اپنے شعراء مولانا حسن امداد اور حضرت نسیم امروہوی مدد اللہو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی زحمتیں اٹھائیں اور ہم کو استفادے کا موقع دیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت نسیم امروہوی کے اس مسدس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے گفتگو کی، لیکن جیسا کہ خود انہوں نے میری تاریخ صحت کہتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ یہ میرا فریضہ رہا ہے کہ میں عزا خانوں کی خدمت کروں، اور عزا خانوں کو جن کے ذوات سے شرف ہے ان کے فضائل و مصائب میں اور اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں، تو اس لیے کچھ دقیقوں کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مقصد مجلس اور مقصد اجتماع واضح کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہر سال اس بارگاہ میں پانچویں شعبان کے بعد جو اتوار آئے اس اتوار کو یہاں ولادت باسعادت حضرت سید سجاد کا جشن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
इस साल भी यही इन्हमाक है और यही मकसद नज़र है, और इस मकसद नज़र की तकमील के लिए मरहूम सैयद आले अबा जाफरी जो आगरे में मज़ार शहीद सालिस रहमतुल्लाह अलैह के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके साहबजादे आले अली जाफरी ने इस अम्र का एहतमाम किया कि अगर बसिलसिले खिदमत औलाद हजरत सैयद साजदीन उन हस्तियों का भी तस्करा होता रहे जिन्होंने अपने जद अमजद के नक्श कदम को रहबर रहनुमा बनाते हुए अपनी जिंदगियां नजर इबलाग व तबलीग की, तो जाहिर है कि भाइयों के लिए यकीनन इफादियत का बाइस होगा और बहुत सी बातें नई उनको मालूम होंगी। ये कोशिश है, अच्छी कोशिश है, और इस कोशिश के आगाज पर मैं इस एहतमाम करने वाले को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस अमर पर हमको आमादा किया कि इमाम का तस्करा तो होता ही है, उनकी औलाद का भी तस्करा हो। जैसा कि हजरत नसीम अमरोहवी मद्दज़िल्लहू ने अभी इरशाद फरमाया कि ये आदम आले मोहम्मद हैं, यानी अब जहां जहां हुसैन इब्ने अली की औलाद में सियादत आई है वो सारे रिश्ते और सिलसिले मुंतही होते हैं आबिद बीमार पर, हजरत सैयद सज्जा। लेकिन जाहिर है कि मैं जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि रात को भी मेरा कार्डियोग्राम लेते हुए मेरे डॉक्टरों ने यह ख्वाहिश की थी कि मैं कोई तवील गुफ्तगू ना करूं, इसलिए मैं बशर्त हयात इस मकसद की और इस गुफ्तगू की किसी और वक्त वजाहत करूंगा। आज ये कहना जरूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हद तक ये एक अजीब बात है कि जितने मशाहीर गुजरे हैं सूफिया और मुबल्लिगीन में वो सब सैयद सज्जाद की औलाद से हैं। आपने अभी कहा हजरत नसीम अमरोही ने कि जो मानता है नहीं मानता वो पहचानता है, बहरहाल उसी फिक्र को मुसलसल करते हुए सारा लाहौर दाता गंजबख्श को मानता है, काश वो जान ले कि इनका नाम सैयद अली हुजवैरी है और ये इमाम सैयद सज्जाद की सातवीं पुश्त में है। सारे कश्मीर वाले जानते हैं कि कश्मीर के पंडितों को जिसमें इकबाल के अजदाद भी थे
जिसने मुसलमान किया वो भी आबिद बीमार की औलाद में थे, सैयद अली ये कश्मीरी उनका नाम था, ये सैयद अली ये हुजवैरी, वो सैयद अली ये कश्मीरी। सादात जलाली को इल्म है कि यहाँ और मुख्तलिफ मकामात पर उसके अतराफ में सैयद अली हमदानी की औलाद आबाद है, और ये भी हजरत सैयद साजदीन की औलाद में है, उनका भी नाम सैयद अली है। और ये जो अभी आपने नूरुल्लाह नाम सुना, ये लकब है, इनका भी नाम सैयद अली। आपके मालूमात के लिए है कि अली की औलाद हर जगह अली ही के नाम से फैली। इसके अलावा जनूबी हिंद में एक गैसू दराज, जिनके मुतालिक अभी अभी आपने ऐलान सुना होगा, वो भी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के औलाद में से है। मुल्तान में अक्सर और बेशतर सूफिया इसी इमाम की औलाद में से है। लेकिन एक अजीब हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि जहां इनकी औलाद में जमाने के बदलते हुए हालात को देखकर बुजुर्गों ने राह तसव्वुफ इख्तियार की, ऐसी मंजिल पर सैयद अली नूरुल्लाह ने उस हकीकत को पसंद किया जहां दीन और तसव्वुफ में फर्क नुमाया। और यही वो कारनामा है कि जिसने इनके नूर से नफकत सरजमीन हिंद पाक को मुनव्वर किया, बल्कि आज तक उलमाए ईरान और इराक इनके न सिर्फ मदहकां हैं बल्कि इनकी तस्नीफ करदा 140 किताबों पर मुसलसल शरहें लिखी जा रही हैं, तालीक़े पर तालीक़ा आ रहा है, मगर हर लिखने वाला अपनी शरह को खत्म करके ये इतज़ार पेश करता है कि हम से इसका हक अदा न हो सका। मैंने जैसा कर्ज किया कि हालात नासाजगार हैं मेरे लिए, वरना मैं आपका वक्त लेता। हजरत काजी सैयद अली नूरुल्लाह शूस्तरी मरअशी सैयद अली मरअशी की औलाद में है, जो मदीने से हटकर मरअश में आके मुकीम हो गए थे, और ये हुसैन असगर की औलाद से हैं, जो सैयद साजदीन के सबसे छोटे साहबजादे थे और इमाम बाकर के रावी थे, इमाम जाफर सादिक के रावी थे। और एक एक महफिल में, एक एक निशस्त में कभी ऐसा हुआ है कि हुसैन ने, असगर ने सैयद सज्जाद के बेटे ने इमाम बाकर से और इमाम सादिक से
कभी 80 और कभी 100 रिवायतों को नकल किया है कि मैं अपने जमाने के इमाम से रिवायत कर रहा हूं और वो रिवायतें आज हमारे उलूम की बुनियादें हैं। उन रिवायतों पर हमारे अकायद का, हमारे फुरू का इन्हिसार है। गुफ्तगू तमहीद की थी, खत्म हुई। चंद बातें वो ये कि शुरू से दुनिया को एक आदत सी हो गई, जब से के इस्लाम आया, जब से के इस्लाम आया और इस्लाम फैला, एक आदत ये हो गई थी कि जो अपने को मुसलमान जाने वो जरा से भी मुखालफत करने वाले को काफिर माने। ये बहुत गौर से सुनिए इन चीजों को, यानी वो अपने इस्लाम की बुनियाद ही इस बात पे रखता था कि जो उसकी फिक्र का साथ न दे वो काफिर है। वो दिन और आज का दिन, कुफ्र के फतवे अब भी आ रहे हैं, कुफ्र के फतवे आते रहेंगे। कभी इन फतवों पर फांसी दी गई, कभी इन फतवों पर कत्ल किया गया मुसलमानों को, कभी इन फतवों पर अमल करके मुसलमानों की तौहीन की गई और काफिर कहने वाले मुसलसल कहते चले। सबसे पहले एक अजीब फिक्र है, अगर आप याद रखें, शेखुर रईस अबू अली सीना, शेखुर रईस अबू अली सीना, जो कानूनों शिफाओ इशारात का मुसन्निफ है और हमारा माना हुआ इस्लाम का हकीम हो, फैलसूफ हो, तबीरी हो, फलसफी है। ये बुखारा में पैदा हुआ, 18वें साल सारे उलूम की इसने तहसील की। हनफी फिका का पाबंद था और हनफी फिका पर फतवे दिया करता था शेखुर रईस अबू अली सिंह। मगर जाहिर है कि जब इल्म अपने कमाल पर पहुंचता है तो वह किसी फिका का पाबंद हो, मोहब्बत मजबूर नहीं हो। हनफियुल फिका तो थे, मगर जब इनसे पूछा गया कि अस्हाब रसूल में अली का मकाम क्या है, तो शेखुर रईस ने कहा कल माकूल बैनल महसूस। फर्क यह है कि यह आलम हवास से है सब, अली आलम अकल से है। ये महसूस है, अली माकूल है। कल महसूस बैनल, कल माकूल बैनल महसूस, ऐसे खड़े हुए हैं जैसे महसूस में एक माकूल। इनका यह आलम है मोहब्बत अली में के एक अजीब रुबाई कह दी, क्योंकि शेर व सुखन से भी इस महफिल का रब्त रहा है, इसलिए ततब्बो में इन हजरात की कुछ माजी की यादों को ताजा करूं। वो अली सीना ने एक रुबाई कही, ताबर अदह रीखान, जब तक के
इश्क की शराब जाम में पड़ती रहेगी, इश्क दर कदा रीखतान वंदर पे आशिक अंगीखतान। और जब तक इश्क के साथ आशिक वाबस्ता रहेगा, बाद जानो रवाने बू अली मेहरे अली, तो उस वक्त तक मेरी जान और मेरे नफ्स के साथ अली की मोहब्बत को चू शीर और शकर बहम आमेर। जानो रवाने बू अली मेहरे अली चू शीर और शकर बहमामी बहम दरामी तान। जैसे दूध और शकर को मिला देते हैं, इस तरह से मेरी रूह को अली की मोहब्बत से मिला दिया। हनफी उल फिका थे, मोहब्बत कहीं और ले गई, दुनिया ने काफिर कह दिया। दुनिया ने काफिर कहा तो बिगड़ के कहने लगे, कुफरे चुमनी गजाफ आसन नबुवत। अरे मुझ जैसे इंसान का कुफर आसान नहीं है। कुफरे चुमनी गजाफ आसन नबुवत, मोहकम तराजी माने मनी मन नबुवत। ईमान से ज्यादा मोहकम किसी और का ईमान नहीं है, इसलिए मेरे कुफर को कोई आसान न समझ ले। देखिए दो मिसरे, दर दहर चुमन की सारी दुनिया में मैं तो अकेला हूं, वो उन हम काफिर। दर दहर चुमन एकी सारी दुनिया में मैं अकेला वो भी काफिर, बस दर हम दर एक मुसलमान अबुवत। अगर मैं काफिर हो गया तो सारी दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। याद रखेंगे आप ये चार मिसरे, कुफरे चुमनी गजा फुआसन नबुवत, मोहकम तरजी माने मनी मन नबुवत, दर दहर चुमन की वो उन हम काफिर, पस दर हम दह एक मुसलमान नबुवत। तो आपने देखा, जो अपने आप को सारी दुनिया में तन्हा जाने, अगर उसको कोई काफिर कहे तो ये समझ लो कि फिर दुनिया में कोई और मुसलमान नहीं है। यानी आप समझे मेरी बहस का मतलब, दर दहर चुमन एकी वो उन हम काफिर। 50 बरस अबू तालिब ने रसूल की खिदमत की और अबू तालिब सारी दुनिया में अकेले मुहाफिज है रसूल के और वही के, अगर वो भी काफिर हो गए तो दुनिया में मुसलमान। दर चुमने की वो उन हम काफिर, पस दर हम दर एक मुसलमान नबुवत। अगर बू अली सीना को यह नाज है कि मैं दुनिया में तन्हा हूं, तो अबू तालिब को तो ज्यादा हक पहुंचता है। और कौन है मुहाफिज, और ऐसे ही अबू तालिब की औलाद में
एक के बाद जब एक आया तो उसने अपने अकेले होने का ऐलान किया। अली सिफ़िन की लड़ाई में कह रहे हैं कि अली को कमजोर न जानो, अगर सारा अरब मुझ अकेले से लड़ने के लिए आए तो मैं मुंह न मोड़ूंगा। तो अब आपने देखा कि एक राह है अली है, एक राह अली है और एक राह है जो गैर अली की राह। इस सिलसिले में जाहिर है कि नौजवान तबका है, इनको बहुत सी चीजें समझनी चाहिए। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि 24 साल हो गए, 25 बरस हो गए, वो भूल भी गए होंगे आगरे को, शहीद सालिस को, उनको क्या याद होगा। मगर तमहीद के तौर पे जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं बहुत सी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस सिलसिले में एक बात याद आई, अबू अली सीना को काफिर कहा, काफिर कहा और चाहा हुकूमत वक्त से के सजा दी जाए, लेकिन अबू अली सीना ने अपने लिए हिजरत को पसंद किया, उन्होंने जगह छोड़ दी, वो हट गए, वो हट गए, यानी उन्होंने मौत पसंद की, शहादत नहीं। मौत शहादत। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, अच्छा अबू अली सीना के मुतालिक एक बात याद रखेंगे, इनका सने वफात 437 हिजरी है। अबू अली सीना 437 हिजरी है। अबू अली सीना ने हिकमत को लिया है फारादी से, मोहम्मद इब्ने तरकान फारादी, जिनका सने वफात 339 हिजरी है, यानी मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी के 10 बरस बाद। मोहम्मद इब्ने तरकान फारादी से हिकमत को लिया है अबू अली सीना ने। वो कहते थे कि जब तक कि मैंने अगराज माबादु तबीआ को नहीं पढ़ा फारादी की, मैं हिकमत को समझ ना सका। अबू अली सीना के इशारात पर ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने शरह लिखी, शरह इशारात ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की अहम तरीन किताब है जिसका हवाला बार बार इकबाल देते हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी को उनके दौर के अहम तरीन काजी ने कुफर का फतवा दे दिया और कहा कि यह काफी, और उस फतवा देने वाले का नाम था निजामुद्दीन और वो शायर भी था। तो ख्वाजा साहब ने उसके लिए भी चार मिसरे कहे, वो आप याद रखें, निजामुद्दीन निजाम अर काफिरम खानत, निजामुद्दीन निजाम अगर मुझे काफिर पुकार रहा है, पुकारे चरागे किजबरा नब्बत फुरोगे, झूठ का चराग ज्यादा नहीं जलता। निजामुद्दीन निजाम अर काफिरम खानत, चरागे किजबरा नब्बत फुरोगे, झूठ का चराग ज्यादा रोशन नहीं करता। मुसलमान खाना मशकूरा के नबवत, वो मुझे काफिर पुकार रहा है, मैं उसको मुसलमान पुकार रहा हूं, क्यों के नहीं है मुकाफाते दरोगे जूस दरोगे, वो भी झूठ बोल रहा है, मैं भी झूठ बोल रहा हूं। महफिल विलादत है, मिलाद की महफिल है, आपको खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए,
ये बातें मादी की हैं मगर दिल पर नक्श हैं और याद रखने के काबिल हैं। निजाम दीन निजाम और काफिरम खाना चरागे किसबरा नबवत फुरोगे मुसलमान खान मशहूरा के नबवत मुकाफत दरोगे जुज दरोगे। वो झूठ बोल रहा है, मैं भी झूठ बोल रहा हूं। उसने मुझे काफिर कहा मुसलमान को, मैं काफिर को मुसलमान को हूं। तो ख्वाजा नज़ीरुद्दीन तूसी के लिए बड़ी साजिशें हुई, बड़ी साजिशें हुई। और यहां तक के एक वक्त ऐसा नाजुक आया कि हलाकू खां अभी अभी मुसलमान हुआ था। और ये वाकयात आपको मालूम है ये 656 हिजरी से पहले के हैं, इसलिए कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का सन वफात 672 है, 672 हिजरी। हलाकू खां अभी अभी मुसलमान हुआ था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया और बहुत माँ को चाहता था। उलमाए आम्मा गरीबा चार अमामे सर से उतारे हुए हलाकू खां के पास पहुंचे, ताजियत दी और कहा हुजूर कयामत आ गई, आपकी माँ का साया सर से उड़ गया और हमको जो परेशानी है वो ये कि आपको मालूम है कब्र में सवाल होगा, मुनकर नकीर आएंगे, आपकी माँ वो जबान से वाकिफ नहीं है, इसलिए कोई ऐसा फसीहुल बयान जवाब देने वाला साथ दफन कर दिया जाए जो मुनकर नकीर का फौरन जवाब दे। और हमारे दौर में ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी से बढ़ के कोई आलिम नहीं है, इसलिए इसको साथ दफन कर देना चाहिए, इसको साथ दफन कर देना चाहिए। हलाकू खान ने ख्वाजा नसीरुद्दीन से कहा कि क्या यह फिदाकारी मुमकिन है, ये वक्त ईसार है और मैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा अजीज रखता हूँ। उसने कहा हुजूर फिदाकारी के लिए तो पैदा ही हुआ हूं, मगर यह है कि आपकी माँ से जो सवाल होगा मुनकर नकीर का वो ये कि तुमने दूध पिलाया था, तुमने बच्चे को पाला था, तुमने गिजा दी थी, तुमने हलाकू की तरबियत की थी, मामूली सवालात होंगे। और आपसे जो सवाल होगा ये हजारों को क्यों कत्ल किया, ये लश्कर कशी कैसे हुई, ये इतने ममालिक पे हमले कैसे हुए, ये इतनी खूनरेजी कैसे हुई, तो आपको तो जवाब और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे तो अपने लिए रखिए और ये चारों को इनके साथ दफन करिए। लिए महफूज कीजिए, मुझे तो बड़ा जवाब देना है, सवालात आपसे ज्यादा होंगे का बहुत सच कहते हो, बहुत सच कहते हो, इसलिए कि तुमसे बेहतर कोई बुरहान और दलील से बात करने वाला नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे, अच्छा बुलाओ उन चारों। और देखा आपने मुकाफात से दरोगे जुल दरोगे, उनको उनकी वालिदा की कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया, हलाकू का हुक्म था कि उनको दफन कर दो। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने एक राह निकाली और यह बतलाया कि कुफ्र इस तरह से आसान नहीं होता है, कुफ्र का ऐलान आसान नहीं होता है। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी के शागिर्द हैं हसन इब्ने यूसुफ इब्ने मुतहर हिल्ली अल्लामा हिल्ली, इनका सन वफात है 726। खुदा बंदे का अल्जायतू के दरबार में ये गए और सबों को अम्र हक की तरफ राजे किया, दीन हक की राह दिखलाई और इन पर भी कुफर का फतवा दिया गया और कहा कि अल्लामा हिल्ली काफिर काफिर है। लेकिन किस्सा यह था कि हुकूमत वक्त ने सहारा दिया और ऐसा सहारा दिया कि अल्लामा हिल्ली ने कहा कि अच्छा तुम मुझको काफिर कहते हो, तुम मुझको काफिर कहते हो, अब मैं यह बतलाऊंगा, अब मैं यह बतलाऊंगा कि इस पूरे सिलसिले में कौन कौन कब तक काफिर रहा। और यही
मंजिल थी जहां जलाल हिल्ली ने काम किया और नहजुल हक जैसी किताब उन्होंने लिखी और यह बतलाया कि अकीदे का मकाम क्या है, इंसान के लिए किन अकायद का रखना जरूरी है और जो इन अकायद से हट जाए उसका मकाम क्या है। इसके बाद की तफसील को जाहिर है कि एहतराम मिंबर बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए रुकना पड़ता है कि नहजुल हक के लिखने के बाद बादशाह वक्त ने किस किस को बुला के ये पूछा कि बताओ अपने बुजुर्गों में से किसको मुसलमान समझते हो और किसको काफिर। तो जाहिर है कि जहां तलवार सर पर लटकती हो और बादशाह वक्त का इंदिया मालूम हो तो बहुत सोने का अपने आबाओ अजदाद को भी कि वो काफिर थे बुजुर्गों का तस्करा क्या है। ये किताब इस शान से आई कि 200 बरस तक इस किताब ने एक तहलका मचा दिया आलम इस्लाम, यहां तक के 900 हिजरी के आबाद इब्ने रूज़बहान ने इस किताब का जवाब शुरू किया, मगर जवाब न था, वही हरकत थी कि हिल्ली काफिर है और उन्होंने ये तमाम इशाअते कुफ्र की है और ये वो मकाम था कि जहां नहजुल हक का जवाब दिया गया और यह कहा गया कि यह इब्ताले बातिल है और इस वाक़े को 100 बरस भी मुकम्मल न गुजरे थे कि 993 हिजरी में हजरत काजी नूरुल्लाह शूस्तरी लाहौर में आए और लाहौर ही में काजी उल कुजात के ओहदे पर मामूर किए गए और यहां इन्होंने किताब लिखी, उसका जवाब दिया एहकाकुल हक। इस किताब के मुतालिक सिर्फ एक जुमला बतलाऊं, इस किताब के मुतालिक फारसी और अरबी शारहीन ने यह लिखा कि इस किताब की न तो शरह मुमकिन है न तर्जमा मुमकिन। बड़ी अजीब बात है, इस किताब की न शरह मुमकिन है न तर्जमा मुमकिन है, फकत इस वास्ते कि एक तरफ तो इस्तिलाहात इल्मिया के दरिया बह रहे हैं और दूसरी तरफ फिक्र इतनी बुलंद है कि अगर एक लफ्ज भी तर्जमे में छूट जाता है तो जुमले के जुमले समझ में नहीं आते। इसलिए लोगों ने अपनी कोशिशों का अधूरा किया, हिंदुस्तान में भी एक कोशिश की गई थी कि उर्दू में काकुलक का तर्जुमा हो, मगर वो कोशिश अधूरी रही। अब कुम में 8 जिल्दों में शरह की गई, मगर शरह ऐसी कि पहले अल्लामे हिल्ली, उसके बाद रूज़बहान, उसके बाद काजी नूरुल्लाह शूस्तरी, एक एक मसले पर ये तीन तीन हजरात के आरा और बस, और इसके सिवा कुछ नहीं, और हाशिया के कौन कब पैदा हुआ, जिसका नाम लिया या जिस हदीस के मुतालिक गुफ्तगू की उस हदीस के मुतालिक तवातुर से है या हाथ से है या क्या। ये तो अब गुफ्तगू यहां तक आई और जाहिर है कि इनको भी काफिर कहा गया, इनको भी काफिर कहा गया। बहस इस मकाम पर खत्म होती है कि जहां जहां ये कुफर की इस्तेलाह आई है वहां इंसान ने इस अमर की कोशिश की वो किसी मर्तबे का हो कि ये टल जाए, ये टल जाए। लेकिन
नूरुल्लाह शूस्तरी की तबीयत का यह आलम था कि ये परेशानियों को खुद मोल लेते थे और खुश होते थे, ये मोल लेते थे जहमतों को और खुश होते थे। और ऐसे मौके पे एक अजीब शेर कहा, जब एकाकुल हक को शाया के लिखा और उनके शागिर्दों ने उसकी नकलें ली के का खुश परेशान शुदई बातु न गुफ्तम नूरी, नूरी इनका तखल्लुस है, क्या अच्छे परेशान हो गए, क्या अच्छे परेशान हो गए, नूरी हम नहीं कहते थे, आफती इंसरो सामाने तो दार दर पे, कि ये तेरा सरो सामान तेरे लिए आफत बनने वाला है हम नहीं कहते थे। ये खुश परेशान की तरकीब देखिए, खुश परेशान शुदाई बातुन गुफ्तम नूरी आफतें सरो सामाने तो दार दर पे, इसका अंजाम क्या होने वाला है, चलो अच्छी परेशानी है, चलो अच्छी परेशानी है। यानी मतलब ये कि आप ये जान रहे हैं कि शहादत है, ये जान रहे हैं कि मरना है, लेकिन सिबात कदम का यह आलम, सिबात कदम का यह आलम है कि इनका पहला दुश्मन है सैयद हसन गजनवी, सैयद है सैयद हसन गजनवी। एकाकुल हक की किताब आई और उसने एक मर्तबा मुखालिफी ने अमीरुल मोमिनीन की मदह शुरू कर दी, मुखालिफी ने अमीरुल मोमिनीन की मदह शुरू कर दी, तो एक मर्तबा बिगड़ के कहने लगे कि अंदर हसब, अपना पहले तारुफ करवाए, अंदर हसब खुलासे मानियो सूरतम, मेरी काबिलियत यह है कि मानी वो स्वर का खुलासा हूं, स्वात वाओ रे, ये क्या तारीफ है आप मालूम है, ये हिकमत की तारीफ है, सूरत को माना में बदलना हिकमत है, जिस चीज को आपने देखा उसको मानी में बदल देना हिकमत है। अंदर हसब खुलाओ से मानी यो सूरतम, अंदर नसब सुलाओ ले जहरा वो हैदरम, अंदर नसब सुलाओ ले, हसब वो है नसब ये, और शुक्रे खुदा के चुन हसन गजनवी नयम, यानी न आके वालिदो न नंगे मादरम, अल्लाह का शुक्र है हसन गजनवी नहीं हूं कि जिसको उसके बाप ने आग कर दिया हो या जो अपनी मां के लिए मोहतरम न रहा हो। अब देखिए इसकी जलालत का आलम, जलालत का आलम कि कितना कॉन्फिडेंस है अपनी जात, कितना तैयार है एक इंसान लड़ने और मरने के लिए अकेला, दुनिया मुखालिफ है, शुक्र खुदा के तुन हसन गजनवी ने हम ने आखे वालिदो नियानी ने आखे वालिदो ने नंगे मादर। उसके बाद बे अख्तियार कहा के देखिए ये जो मंजिल, देखिए क्या मंजिल है, तर्जमा करूं या न करूं इसको तो आप बाद में सोचें। आपको मालूम है एक लफ्ज आपके रोजमर्रा में है, हजब जैल इबारत को पढ़िए, जैल जाल ये लाम, जैल के माने नीचे के हैं। तो फरमाते हैं कि फर्जंद रा के तब ए पिदर दर निहाद नीस्त, वो बेटा जो बाप की सलाहियतों को फितरतन न पाए, पाकी ये जैल मादर ऊ नीस्त बावरम। आप समझ रहे हैं इसी में, तर्जमा न करवाइए ठीक है। फर्जंद राव के तब पिदर दर निहाद नी,
پاکی زیل مادر ہو نیست باوراں. تو اب ایسی حالت میں حسن غزنوی نے اس قضیے کو اکبر کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ حضور یہ شہر اور یہ میرے. کہا بلاؤ لاہور سے طلب کیا. کہا کیا بات؟ حضور کچھ نہیں, میرے شعر میں نے کہا میں نے, اور اس کے لیے, اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد میں کوئی آپ کے دشمنوں کی مدح سرائی کرے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کہا میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کو قتل کیا جائے. کہا یہ سید ہے, رسول کی اولاد میں ہے اور رسول کے دشمنوں کی مدح کر رہا ہے. چنانچہ اکبر نے وہی حکم سنایا, سید حسن غزنوی قتل کر دیا. اکبر کا دور ختم ہوا اور یہ دور غالباً 1014 ہجری میں اکبر کا دور ختم. اب یہ 5 برس رہ گئے جس میں اب ساری طاقتیں ایک جگہ ہوں, اور ایسے میں اعلان کیا گیا کہ قاضی صاحب علل اعلان ہم کو برا کہے, علل اعلان. تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ان کے لیے کتنی راہیں تھیں. علماء ایران کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہو گئی, علماء عراق کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہو گئی, بادشاہ ایران کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہوئی ہے. مسلسل آدمی لاہور دوڑائے گئے کہ ان کو ہٹا دو, ان کو ہٹا دو. جب کوئی آدمی ان کے پاس آتا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آج ابو جب کی تقلید نہ کروں تو کب کروں؟ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اب کون سا وقت آئے گا؟ یہ جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن کی ایک پوتی ہے ستی نفیسہ, ستی سیدتی, اس کو ستی نفیسہ مصر میں دفن ہے. ان کا سن کوئی 90 کے قریب ہو چکا تھا اور دن بھر روزہ اور تلاوت میں وقت گزر. جب بہت بیمار ہو گئیں تو ان کے معالج نے کہا کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں. تو جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ زندگی بھر اسی حسرت میں میں نے وقت گزارا کہ روزے کے عالم میں مروں, اب جب موت آئی ہے تو روزے سے روک رہے ہو. یہ ستی نفیسہ کا جواب تھا. تو آپ نے کہا گھرانے کی تربیت یہ ہے کہ آرزو یہ شہادت میں تو سب کچھ کیا ہے, اب ہٹا رہے ہو. شاہ کو جواب دیا ایران کہ اس وقت نہ ہٹائی, علماء کو جواب دیا, خط و کتابت علماء کی موجود, نسخے بھیج دیے اقاق الحق کے, چھاپنے اور تباہ کا کوئی انتظام نہیں تھا, سب ہاں نسخے بھیج دیے سارے ایران و عرب میں کہ محفوظ کر لیا جائے, اور اس کے بعد اب وقت آیا. وقت آیا تو ایسا وقت آیا کہ یہ آخری منزل, گفتگو کا آخری حصہ وہ یہ کہ جب قاضی نور اللہ شوستری بہت چھوٹے بچے تھے تو ان کے باپ جن کا نام تھا شریف الدین, وہ بھی بڑے عالم تھے اور وہ ابراہیم قطیفی کے شاگرد تھے. ابراہیم قطیفی ابن فہد حلی کے سلسلے کے ہیں. تو ایک بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے, قاضی نور اللہ شوستری کا سنے وفات 1019 یعنی ملا باقر مجلسی سے پہلے, یعنی ملا تقی مجلسی سے پہلے, یعنی شیخ بہا الدین عاملی سے سینئر.
1019 वफात और 993 में आए हैं लाहौर, तमाम उलूम की तकमील करके और 100 से ज्यादा किताबें इन्होंने खुरासान में लिखी, मशहद में। तो अब इनके वालिद ने इनको नजदीक बुलाया और कहा, बेटे एक रुबाई याद करोगे? तो कहा, क्या बेटे? अब बाप ने बेटे से कहा, ये सिलसिले को देखिए, फिक्र को, रुबाई क्या है? तो शरीफुद्दीन ने जो बेटे को रुबाई याद दिलाई बचपन में, वो ये थी, चुन खून तो रीख खस्म बदगौहर तो, जब तेरा दुश्मन तेरा खून बहाएगा, जब तेरा दुश्मन तेरा खून बहाएगा, शुद्ध खून है तो सुर्ख रुई महशर है तो, तेरा खून महशर में तेरी सुर्ख रुई का बाइस बनेगा। जब तेरा दुश्मन तेरा खून बहाएगा तो तेरा लहू तेरी सुर्ख रुई का बाइस बनेगा, लेकिन लेकिन सोजत दिल अजोन के कुश्ता गश्ती वो चू शमा, लेकिन मेरा दिल बेटे इस बात से जल रहा है कि तू इस आलम में कत्ल किया जाएगा, कि जैसे शमा को फूकने वाला पूरी तरह झुक कर उसको फूके और कोई शमा को बचाने वाला न हो। सोजत दिल अजुन के कुश्ता गश्ती वो तू शमा, जुज दुश्मने तो कस नबुवत बरसरे तो। बाप ने बेटे को बचपन में ये रुबाई याद दिलाई, यानी बाप सैयद सही नसब ये जान रहा था कि अली इब्नुल हुसैन का ये पोता अपनी कुर्बानी से उलूम को ताजा करेगा। यही हुआ और 1019 हिजरी में जब उनको कत्ल का हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने बचपन की ये रुबाई पढ़ी। एकाकुल हक दुनिया में बाकी है, ये किताब सही मायने में तस्बीह करती रहेगी कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है, इस्लाम कहाँ है और कुफ्र कहाँ है। ये है वो कारनामा हजरत सैयद सज्जाद की औलाद में से एक बुजुर्ग का, कि जिनसे मैं आपको मानूस करवाना चाहता था, इनके मुताल्लिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और हम पर अगर एहसान है तो बाद-ए-करबला अगर किसी ने इस्लाम को बचाया है और किसी ने अगर हुकूमत के और जुल्म के पंजे से दीन को निकाला है तो वो सैयद सज्जाद के सजदे थे और वो सैयद सज्जाद की औलाद थी कि मुसलसल कुर्बानियां दी। कहीं जैद की औलाद शहीद हो रही है, कहीं हसन इब्ने जैद की औलाद शहीद हो रही है, कहीं हुसैन असगर की औलाद शहीद हो रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि आज जैदी सादात, आबदी सादात, आबिद बीमार की औलाद बजा तौर पर फख्र कर सकती है कि उनका इस्लाम पर एहसान है, उनके जद का इस्लाम पर एहसान है, और हम उनके एहसान को कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदाबंदा वास्ते से हजरत सैयद सज्जाद के, हमारे
इस मजमे में जिन जिन को कोई परेशानी लाहक हो उनको उस परेशानी से नजात दे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता कर, जो हैरान है उनकी हैरानियों को दूर कर। सैयद सज्जाद की दुआएं साथ हैं, अल्लाह तुमको, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी औलाद को कामयाब कामरान करे। एक मर्तबा सलावात। और एक मर्तबा सलावात। एक मर्तबा बावा दे बुलंद।